हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइन स्टडी में। और थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट की वजह से यहाँ पे Day 21 चल रहा है। अवेयरनेस और हल्ला बोल सेशन 10:30 बजे एवरी डे। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ में देना चाहते हैं कि आज क्या क्या बताने वाले हैं। सोनी कुमारी केस का जो है अभी 3.5 साल से लोग वेट कर रहे हैं, और वो वेट से भी ज़्यादा बड़ा वेट तब हो गया जब यहाँ पे 27 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक यहाँ पे जब कोर्ट बंद हुआ, और सभी छात्रों के मन में जो जितने भी पेंडिंग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, पंचायत सचिव से लेकर जैसे एक्साइज कॉन्स्टेबल से लेकर स्पेशल ब्रांच और TGT टीचर शिक्षक वाले और जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे सिजल एग्ज़ाम के कैंडिडेट सहित सभी लोग वेट कर रहे हैं इस केस की। और इस केस का क्या होगा अब 6 अगस्त को, जैसे ही कोर्ट यहाँ पे ओपन हुआ और 7 अगस्त का काउज लिस्ट आया, सभी लोगों के मन में बस यही था कि सोनी कुमारी केस के बारे में क्या अपडेट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का वीडियो इसीलिए खास सोनी कुमारी केस पर है। हल्ला बोल 10:30 बजे का वीडियो होता है, बट यहाँ पे अपडेट भी है आज तो सोनी कुमारी केस के बारे में। अभी तक जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एवरी डे यहाँ पे एवरी डे गवर्नमेंट जॉब अपडेट नोटिफिकेशन और कोई भी अपडेट होता है तो मिल जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और यहाँ पे वीडियो में है सोनी कुमारी केस अपडेट। आप लोग केस नंबर, आप लोग सभी को इतना बार वीडियो देखे हैं कि सभी को पता चल गया होगा, 1387/2017। आप लोग खुद जाके देख सकते हैं स्टेटस। और ई कोर्ट यहाँ पे जो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की ई कोर्ट सर्विसेज है, यहाँ पे आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। केस नंबर आप लोग डालिए और एंटर कीजिए, और कैप्चा मिलेगा एक तो एंटर करने के लिए, और आप डेट डालिए, ईयर डालिए। ठीक है, आपको कोई भी केस की जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खुद जाके। और अगर यदि यहाँ पे वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद कि जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है तो जल्द ही मिलने वाली है। और ये मेरा है 6 अगस्त का इवनिंग का अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन, यहाँ पे था कि नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर आने वाली है नेक्स्ट हियरिंग डेट। काउज लिस्ट आना स्टार्ट हो गया है, डेली काउज लिस्ट में यहाँ पे होता है। इसका काउज लिस्ट नेम देख लीजिए आप लोग, डेली काउज लिस्ट है सोनी कुमारी केस का। तो इस नंबर पे जो डेली काउज लिस्ट होता है उसका भी यहाँ पे लिस्ट स्टार्ट हो चुका है 7 अगस्त से। और आज का वीडियो, आज 7 अगस्त है, तो आप लोग जल्दी से यहाँ पे आने वाली है अपडेट, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। एवरी डे अपडेट मिल जाती है। तो यहाँ पे अभी तक जो हुआ है, 27 जुलाई की छुट्टी होने के बाद भी वैकेशन में 30 जुलाई को सरकार के द्वारा यहाँ पे किया गया था पिटीशन, रिटर्न पिटीशन दिया गया था सोनी कुमारी केस में और नियोजन नीति के रिव्यू के लिए। और नेक्स्ट डे में 31 जुलाई को सोनी कुमारी तरफ से यहाँ पे ऑर्डर कॉपी जो था वो सबमिट करा गया था। तो उसके बाद 6 अगस्त को जब यहाँ पे कोर्ट ओपन हुआ, तो अभी सबकी नज़रें इसी पर है कि क्या अपडेट आने वाली है, और अपडेट जल्द ही आने वाली है। तो यहाँ पे अपडेट दे दी जाएगी, आप लोग चिंता ना करें। और अभी तक वेट किए हैं, वेटेड रहे हैं और मोटिवेटेड रहें, किसी का जो फेक न्यूज़ होता है या ऑथेंटिक नहीं होता उस पर ना जाएं, और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए। सभी लोगों का हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो चुका है, तो उससे बचिए। और सभी वेट जरूर कीजिए कि इतना दिन वेट करने के बाद भी कि अब क्या होने वाला है। हम यहाँ पे पल पल की अपडेट देते रहेंगे एवरी डे। और 10:30 बजे की सेशन आप लोग भूलिए नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अभी यहाँ पे पंचायत सचिव, JSSC स्पेशल ब्रांच और उसके कटअप के बारे में कमेंट्स आया था, तो उन सारी वीडियो आने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आने वाली है पंचायत सचिव की वीडियो, और इस वीडियो के बाद और स्पेशल ब्रांच की वीडियो, और जो भी तैयारी करते हैं SSC या NTPC और DRDO की, DRDO MTS की, तो उनके लिए भी वीडियो आ रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उन सारी वीडियो को भी जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे Day 21 चल रहा है, तो आप लोग और पहले की 20 दिनों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और हल्ला बोल के लिए अगर यदि कुछ नहीं होता है तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, और FB, फेसबुक में भी, ट्विटर में भी सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं। जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी, जिन्हें भी जुड़ना है, 7519875198 और लास्ट जो 5 डिजिट है 15596,
इस नंबर पे आप अपना नंबर दे सकते हैं और नाम के साथ कि हमें इस ग्रुप में जुड़ना है, JSSC क्रांति फॉर JSSC और हल्ला बोल का जो ग्रुप है उसमें, तो आप लोग जाके जुड़ सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे का, और अपने लिए और दूसरों लोगों के हक के लिए लड़ सकते हैं। यहाँ पे तमाम 50 लाख अप्रोक्स छात्र हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और प्रिपरेशन करते हैं JSSC JPSC का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ कल फिर से 10:30 बजे, और रेगुलर शेड्यूलिंग है कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन की, तो उसमें भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं।